करे आपके ख्वाबों को आबाद। डील्स आबाद। आपके ख्वाबों को आबाद, डील्स आबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि डील्स आबाद के चैनल को मैं होस्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे, और आप लोगों को इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डैम दिखाने हैं कि डैम कितने हैं बहरिए के अंदर। वैसे तो 3-4 से ज़्यादा ही हैं, छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन हम आपको 2 डैम दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। चल के फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। तो ये जी हम आ चुके हैं डैम पर। ये है बहरिया का प्रेसेंट 22, और ये दिखाने का आप लोगों का मकसद ये है कि जो काम देखें यहाँ पे बहरिया वालों ने किया है, जो ये डैम बनाया है, ये काम सब कराची के करीब करीब भी हो सकते थे। लेकिन दिखाने का और कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे मैसेजेस में आके कहा आपको मलिक रियाज ने प्लॉट दे दिया। ऐसा नहीं है भाई, कोई प्लॉट नहीं दिया, लेकिन ये भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और जिसने बनाया है वो भी पाकिस्तानी है। तो ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कोई भी काम करे, चाहे वो कोई भी तंजीम हो, कोई भी काम करे, मेरा मकसद होता है कि उसको अप्रिशिएट करना और बताना कि अगर ये चीज़ यहाँ बन सकती है तो ये चीज़ कराची के अंदर भी हो सकती थी, और बेहतर भी कराची हो सकता था। जितना हम लोग टैक्स देते हैं, जितनी चीज़ें कराची वाले डिज़र्व करते हैं, वो उनको नहीं मिलती। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं, अगर ये सब चीज़ें सहूलतें कराची के अंदर ही मौजूद हों तो हम कराची के अंदर भी सुख से रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जाते हैं ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कद्दू ले आओ, टिंडे ले आओ, ये ले आओ, दही ले आओ, यही करके हमें फंसा के रखा हुआ भाई। ये सुख की ज़िंदगी हम लोग नहीं जी सकते। अभी देखें ये डैम है, और डैम के साथ ये छोटा सा इन्होंने एक पार्क टाइप का बनाया हुआ है, क्योंकि जो आए भाई यहाँ पे एंजॉय करे। अभी तक हमारे शिक्रों को पता नहीं चला कि यहाँ पर ये इस तरह की कोई चीज़ है, वरना अभी तक यहाँ पे ये गंदे अंडे और ये थैलियाँ और ये यहाँ फेंक के जा चुके होते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहरिया का निज़ाम थोड़ा सा सख्त है, इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर हो नहीं पाती। कोई चड्डी बनियान आप लटका नहीं सकते अपनी बैल्कनीज के अंदर। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको मेरे ख्याल 2-3 हज़ार रुपये की पेनल्टी है आपको लग के आ जाएगी। डैम देखें यार, मतलब काम किया है ना, नज़र आ रहा है, और इतना सुकून है यहाँ पे, उफ क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। यहाँ तो बंदा मैं कह रहा हूँ मेडिटेशन करे बैठ के, इतना सुकून है, क्योंकि मज़ा आया। मैंने कहा यार ये एक नई चीज़ है, एक डैम आप लोगों को मैंने हब डैम दिखाया, दरावट डैम दिखाया, मैंने कहा यार ये एक बहरिया डैम भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये बहरिया डैम एक ये देख लिया आपने, अब हम एक और बहरिया डैम आपको दिखाएंगे वसीम भाई के साथ। तो फिर आओ मेरे नाल। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बहरिया पैराडाइज में। इस टाइम एक जो मैंने आप लोगों को डैम दिखाया था पीछे, वो एक डैम था, ये बेसिकली डैम नहीं है लेकिन काइंड ऑफ डैम है ये भी, और एक इन्होंने नहर सी टाइप की गुजार दी है बीच में से, बहरिया पैराडाइज के बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है ये पानी के स्टोरेज के लिए। तो मैं कहा यार एक यूनिक चीज़ है, आप लोगों को दिखाई जाए कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है साथ साथ, और लोग यहाँ पे शिफ्ट भी हो रहे हैं भाई। मोर देन 1 लाख लोग यहाँ पे अभी शिफ्ट हो चुके हैं बहरिया के अंदर। लेकिन ये है कि ये एक डैम वाला जो मामला था ना, मैं कहा आप लोगों को दिखाऊं कि ये स्टोरेज के लिए इन्होंने कितना अच्छा ये एक इकदाम किया है। अभी थोड़ा सा हम यहाँ चलते हैं और आप लोगों को ये भी दिखाते हैं। वैसे देखें ना यार, अभी ये ब्रिज सा बन रहा है यहाँ पर, और ये देखें आप जितना भी बारिश का पानी आता है, बरसाती नालों का पानी आता है, वो सब आके यहाँ पे रुक जाता है। तो ये एक मैंने कहा यार एक ऐसा चीज़ है जो आप लोगों को दिखाई जाए, तो अल्लाह करे कराची के अंदर भी ऐसी ही चीज़ें, यही डेवलपमेंट कराची के अंदर भी हो सके, जो कि
नज़र तो नहीं आती कि हो पाएंगी इतने आराम से। अच्छा दोस्तों, हम लोग अभी डैम से जो आप लोगों को मैंने फुटेज दिखाई होकर आ गए, और अभी हम लोग मौजूद हैं डीलजाबाद के ऑफिस में। ये वैसे अच्छा बनाया है, हमारे दोस्त हैं शहरी, उन्होंने बनाया है, ये बनवाया है, मतलब ख़ुद नहीं बनाया, जाके ख़ुद तो वो मसरूफ़ रहते हैं। तो डीलजाबाद के ऑफिस पर कब्ज़ा कर लिया मैंने। भाई ये है डीलजाबाद का ऑफिस, दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि एक प्रॉपर सेटअप है, और ये देखें जी, करे आपके ख्वाबों को आबाद डीलजाबाद। तो ये है सारा सीन, और इस तरह की जो डीलजाबाद के हवाले से जो वीडियोस हैं, बहरिया के हवाले से वीडियोस हैं, ये आप लोगों को डीलजाबाद के चैनल पे मिलती रहेंगी, और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कोई भी पैसे लगते नहीं है इसके अंदर शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में। हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारा यूट्यूब का पेज भी है जिसको मैं होस्ट कर रहा हूँ, और भी वीडियो साथ साथ इसके ऊपर आती रहती हैं। तो लाजमी जिसको यहाँ पे विज़िट करना है, टोल फ्री नंबर स्क्रीन के ऊपर होगा, कांटेक्ट करें। हमारे यासिर भाई यहाँ पे होते हैं, अफाक भाई होते हैं, और लोग भी हैं जो बिहाइंड द कैमरा भी हैं, इस टाइम पे काम कर रहे हैं, सारे अनथक मेहनत करते हैं सारी। तो लाजमी भाई इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं, फिल्म बहुत लंबी चल गई है, और इंशाल्लाह ताला नई से नई वीडियोज़ आती रहेंगी, और आप लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।